रस्त्याचे रखडलेले काम पूर्ण करून प्रदूषणापासून मुक्ती मिळवा. सध्या आमगाव येथे रेल्वे स्टेशन ते बाग नदी आणि देवरी ते गोंदिया या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. परंतु स्थानिक आंबेडकर चौक संकुलनात गेल्या सुमारे एक वर्षापासून हे काम दोन्ही बांधकाम कंपन्याकडून बंद पडून आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक हा आमगाव शहराचा मुख्य प्रवेशबिंदू असून तेथून दिवसरात्र हजारो वाहने ये जा करतात. त्यामुळे काम अपूर्ण राहिल्याने सर्वत्र गिट्टी पसरली असून वाहने ये जा करताना धुळीचे फुगे उडतात. काम पुरे संथ पद्धतीशी चालू आहे, इतने धीमे गती से चालू है. उसके बाद में यहाँ दो कंपनियों के बीच में आमगाँव फंसा हुआ है. एक तो पहला है एमबी पाटिल कंपनी दिल्ली वाली और दूसरी शिवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी. ये दोनों ने अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं. काम में कोई गुणवत्ता नहीं है. नाली बनाते हैं तो कभी आधी यहाँ की बनाते हैं, आधी वहाँ की बनाते हैं. पूरा काम बराबर व्यवस्थित रीते कर नहीं रहे हैं. नाली पर पानी नहीं मार रहे. रोड खोद के आंबेडकर चौक में रख दिए. मैं आंबेडकर चौक का अध्यक्ष हूँ, जयंती उत्सव समिति का अध्यक्ष हूँ. लेकिन उसके बावजूद भी हमने कई बार उनको मौखिक तरीके से भी बोला गया है, लेकिन वो सुनते नहीं है. खोद के रख दिए पूरा रोड. पूरी धूल उड़ रही है, लोगों को आँखों की परेशानी हो रही है. लोग कई लोग रस्ते से दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं. कई लोग यहाँ पे एक्सीडेंट से मर गए हैं. उसके बावजूद भी कोई दोनों कंपनियाँ ध्यान नहीं दे रही है और आधा अधूरा काम करके छोड़ के रखी है. इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम करें, अन्यथा हमको बहुत बड़े मायने पर यहाँ आंदोलन करना पड़ेगा. मंच सर प्रमुख आमगावची जी आज अवस्था करून दिला रोड ठेकेदारांनी, अतिशय आमगावचा दुर्भाग्य म्हणावा लागला. एक मार्ग राष्ट्रीय महामार्गाचं काम सुरू आहे इकडे गोंदिया ते हायवे, गोंदिया आमगाव गोंदिया हायवे, दुसरीकडे आंबेडकर चौक ते लांजी रोड ह्याही रोडाचं काम चालू आहे. पण दुर्भाग्य असं आहे की या काम संपूनसुद्धा चालू असून काम या रोडावर एवढी धूल उडत आहे की लोक विविध आजाराने ग्रस्त आहेत. मला सध्या डोळ्याचा प्रॉब्लेम झालेला आहे धूळच्या कारणास्तव. एवढी धूळ उडत आहे की लोकांना काही समजत नाही. तर स्थानिक प्रतिनिधी माननीय तहसीलदार साहेब यांना किती वेळा निवेदन दिला, तहसीलदारांचा फोन जातो तेव्हा नगर परिषदेचे कर्मचारी रोडावर पाणी टाकतात, दोन दिवस टाकतात, त्याच्यानंतर बंद होतो. तर आमची शासनाला एवढीच बोलणी आहे, कमीत कमी रोड कोण बनवणार हा तरी आम्हाला सांगला पाहिजे, ना तर आम्ही रोड बनवतो. ह्या रोडाचा मायबाप कोण? तिथे स्थानिक प्रतिनिधी आहेत की शासन आहे की ठेकेदार आहे? नाहीतर रोड आम्ही आमगाववासी बनवतो असं त्यांनी सांगून द्या, आम्हाला लिखित देऊन टाकावा. राम आंबेडकर चौक निवासी मैं माहेश्वरी मेडिकल से पुरुषोत्तम राठी. शिकायत ये है कि यहाँ पे यानी चौक पर एक हाईवे का काम चालू है देवरी से गोंदिया और जो आमगांव लांजी रोड बना है, इस बीच में इन दो ठेकेदारों के बीच में ये आंबेडकर चौकवासी फंस गए. यानी जो चौक से 100 किलोमीटर यानी 100 मीटर का जो एक रोड है जो उन्होंने छोड़ दिया है और वहाँ पे उन दोनों का कहना है कि हमारे इसमें नहीं आता है. अब उस पर जो इन्होंने खोद के रखा है रोड पूरा और उसकी वजह से धूल पूरी यानी आसपास के परिसर पे दुकानदारों पे इतनी ज़्यादा आ रही है कि उनके स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, है ना. और हमने बार बार तहसीलदार को यहाँ के यानी जितने भी वो है नेतागण हैं उनको दिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इस समस्या को कुछ भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं वो. यानी कम से कम उसमें रोड पर उन्होंने समानता से दिन में 3 बार पानी डालना चाहिए ताकि धूल की समस्या जो है उससे तो निजात मिले जब तक के रोड नहीं बनता. और रोड अगर हम यानी हमारी जब उनसे बात हो रही तो वो कहते हैं कि ये हमारे दायरे में नहीं आता. हमारा ये कहना है कि अगर उनके इसमें नहीं आता तो उन्होंने रोड खोदा क्यों? रोड खोदने से जो परेशानी हो रही है उस समस्या का निराकरण कब होगा इसका जवाब अधिकारियों से चाहिए और इसका हल तुरंत से तुरंत निकाले ताकि आमगाव गोदिया अशा ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी आधार न्यूज सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.